दोस्तों ये है नॉइस प्ले एस ई, मतलब कि स्पेशल एडिशन एक्शन कैमरा। इसकी कीमत है 3799 रुपये और ये जो एक्शन कैमरा है ये 4K वीडियोस एट 30 FPS शूट कर सकता है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको इस प्रोडक्ट के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा और इसका मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ, इसलिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है नॉइस प्ले स्पेशल एडिशन एस ई एक्शन कैमरा है और इसकी कीमत है 3799 रुपये। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। तो अगर आप एक अफोर्डेबल एक्शन कैमरा खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। वाटरप्रूफिंग केस के साथ में आता है और इसमें आपको बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं जो आमतौर पर आपको एक्शन कैमराज के साथ में मिलते हैं। और यहाँ पर जो की स्पेसिफिकेशंस है दिया हुआ है, मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक्शन कैमरा है ये 4K शूट कर सकता है एट 30 FPS पर और 1080p एट 60 FPS पर। और इसमें 170 डिग्रीज वाइड एंगल लेंस का उपयोग किया गया है। 2 इंच के कलर LCD स्क्रीन के साथ में आता है। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये लीजिए, इस प्रकार से इस कैमरे को पैक किया हुआ है और बहुत सारे एक्सेसरीज भी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये जो केसिंग है ये वाटरप्रूफ केसिंग है, तो आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। जब कभी आपको अंडर वाटर वीडियो शूट करना है तो आप इस वाटरप्रूफिंग केस का उपयोग कर सकते हैं। ये जो एक्शन कैमरा है ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन ये जो केस है ये वाटरप्रूफ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है अंडर वाटर शूटिंग के लिए इस केस का उपयोग कीजिए। और ये है एक्शन कैमरा नॉइस प्ले एस ई स्पेशल एडिशन, इस प्रकार का दिखता है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और जो एक्सेसरीज है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। बॉक्स में आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है, थैंक यू कार्ड है, वारंटी के बारे में जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा ये देखिए 3M के एडिसिव टेप्स है, एक सॉफ्ट क्लॉथ दिया हुआ है जो लेंस है कैमरे का उसे साफ करने के लिए, और बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं जैसे कि ये जिसमें आप जो कैमरा है उसे अटैच कर सकते हैं। और ये देखिए रिमोट भी दिया हुआ है, मतलब कि ये जो एक्शन कैमरा है इसे आप इस रिमोट के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट पर देख सकते हैं 2 बटन्स दिया हुआ है, एक तो है स्टिल फोटो खींचने के लिए बटन, मतलब कि फोटो शॉट, और दूसरा है वीडियो शॉट, वीडियो शूटिंग के लिए बटन दिया हुआ है। तो इसे आप अपने हाथ पर इस प्रकार से स्ट्रैप के जरिए पहन सकते हैं और रिमोट कंट्रोल के जरिए जो कैमरा है उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आपको एक डेटा केबल भी मिलता है, USB to Micro USB डेटा केबल, और ये कुछ और अटैचमेंट्स हैं, ये देखिए अलग अलग टाइप के अटैचमेंट्स हैं जो आमतौर पर आपको एक्शन कैमरास के साथ में मिलते हैं। और ये जो अटैचमेंट है ये बाइसिकल के लिए है, बाइसिकल का जो हैंडल है उस पर आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। तो इस प्रकार का दिखता है नॉइस प्ले स्पेशल एडिशन एक्शन कैमरा, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और दिखता भी काफ़ी यूनिक किस्म का है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, ऊपर टेक्सचर दिया हुआ है ताकि आपको अच्छा ग्रिप मिल जाए। और अगर आप इस साइड पर देखें तो यहाँ पर micro USB पोर्ट दिया हुआ है, एक स्लॉट दिया हुआ है जिसमें मैंने ऑलरेडी micro SD कार्ड डाला हुआ है, HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर बटन्स हैं नेविगेशन के लिए, ऊपर भी एक बटन दिया हुआ है जिससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर पावर के लिए बटन दिया हुआ है, पावर ऑन ऑफ बटन, और ये मोड का बटन भी है जिससे आप जो मेनू ऑप्शंस हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑपरेशन है काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर बैटरी है, अगर आपको बैटरी कुछ कारणवश निकालना है तो आप उसे निकाल सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप बैटरी निकाल सकते हैं। चलिए इसे मैं ऑन कर देता हूँ, ये बटन आपको कुछ देर प्रेस करना है और फिर छोड़ देना है। ये लीजिए ऑन हो गया है। ये जो स्क्रीन है ये 2 इंचेस का है, LCD कलर स्क्रीन है। तो ये देखिए इस प्रकार का है इंटरफेस, और ये जो बटन है यहाँ पर इसे प्रेस करते ही ये देखिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये फोटो मोड में चले गया है, 12 MP फोटो खींच सकता है। वैसे ये जो एक्शन कैमरा है ये मैक्सिमम 16 MP फोटोज खींच सकता है। और ये है 720p एट 120 FPS स्लो मोशन, आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये जो फोटो रेजोल्यूशन है ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया आप मैक्सिमम 16 MP तक के फोटोज़ खींच सकते हैं। अब मैंने 16 MP पर इसे सेट कर दिया है। तो ये जो बटन्स है, ये वाला बटन और ये ऊपर वाला जो बटन है, इसका उपयोग करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपको किस प्रकार के शॉट्स खींचना है या फिर किस प्रकार के वीडियोज़ शूट करना है। अब जितने भी एक्शन कैमरास होते हैं जो 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो micro SD कार्ड का उपयोग करें वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने जो micro SD कार्ड का उपयोग कर रहा हूँ ये क्लास 10 है। चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो मैंने इसी एक्शन कैमरे से शूट किया हुआ है।
तो दोस्तों ये है नॉइस प्ले, एक छोटा सा एक्शन कैमरा जो 4K वीडियो शूट कर सकता है। और आपने अभी कैमरा सैंपल्स देखा, उसमें आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जो 4K की क्वालिटी है अच्छी है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके कारण जो आउटपुट है वो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लगता है। खास करके जब आप एक्शन कैमरा खरीदते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टिल क्वालिटी भी ओके किस्म की खींच लेता है। वैसे ये जो एक्शन कैमरा है इसका जो प्राइसिंग है 3,799 रुपये, उसके हिसाब से इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ओके किस्म की है। बैटरी है, उसे चार्ज करने के लिए आपको तकरीबन 3 घंटे के आसपास लग जाएंगे, और फुल चार्ज पर अगर आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है। तो अगर आप ये एक्शन कैमरा खरीदने का सोच रहे हैं, अमेजन पर अवेलेबल है, कीमत है 3,799 रुपये। इसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे में भाग लेने के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कि ये जो एक्शन कैमरा है इसमें आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी, कमेंट्स के माध्यम से आपको मुझे बताना है। मैं एक लकी विनर को सेलेक्ट करने वाला हूँ 21 अगस्त को। तो जो भी लकी विनर है उसका जो कमेंट है उसे मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, तो उस प्रकार से उसे पता चल जाएगा कि वो जीत चुका है। तो दोस्तों ये है नॉइस प्ले एक्शन कैमरा, रिमोट कंट्रोल के साथ में आता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।